तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे SCR में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाल दी गई है। और अप्रेंटिस पदों पर अच्छा खासा भर्ती निकाला गया है, कुल पद लगभग 4103 पद हैं टोटल। तो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। और मैं यहाँ पे भर्ती आपको बताने वाला, यहाँ पे भर्ती कितना है 4103। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन भी आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ और संपूर्ण जानकारी इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे इच्छुक हैं रेलवे के साथ मिलकर अप्रेंटिस वगैरह करना चाहते हैं, अच्छा खासा उनको स्टाइपन वगैरह मिलता है, तो वो बच्चे ज़रूर अप्लाई करें। और अच्छा खासा पोस्ट भी दे रखा है 4103। चलिए बात कर लेते हैं किस किस पदों पर निकाला गया है, वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड सपना है कहीं गवर्नमेंट जॉब का, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ओके, तो एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहीं पे इसका नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, सो वहाँ पर आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको नोटिफिकेशन पर। चलिए आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे परीक्षा प्रो का अनलिमिटेड एक्सेस के बारे में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए, सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी की एक ही जगह पर आपको 5000 प्लस मॉक टेस्ट, 3000 प्लस अनदेखे सवाल जो कि नए पैटर्न पर डिजाइन के हैं स्पेशली फॉर एग्जाम, और 40% का आपको ऑफ मिल रहा है। परम 50 परीक्षा ऐप आपको डाउनलोड करने ला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आप किस चीज़ का एक्सेस ले सकते हो साल भर तक, और इसकी वैलिडिटी रहेगी साल भर तक। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये MPSC है, RJ है, MH है, और ये दे रखा है। ओके, बाकी और भी जो साल भर तक ऐड होगा आपका उसमें इंक्लूड होता जाएगा, तो आपको फ्री में मिलता जाए। ओके, बाकी इसका 40% आप कोड यूज़ करिएगा, तो ये फॉर्म 50 कोड यूज़ करिएगा तो आपको डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट होगा, और 40% का डिस्काउंट होगा तो 300 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, राइट, 300 रुपये में मिल जाएगा। लेने के लिए फटाफट फॉर्म 50 कोड यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलो आप देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे का ये हेडक्वार्टर ऑफिस पर्सनल ब्रांच 4th रेल निहाम सिकंदराबाद, यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे निकाल दिया गया है रेलवे की तरफ से स्किल इंडिया। तो देख सकते हैं ओपनिंग डेट, डेट ऑफ टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, 30 दिसंबर से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रहने वाला है 29 जनवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई भी ऑफलाइन वगैरह नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर दे रखा है, डेट ये 30 तारीख को ही यहाँ से पब्लिश हुआ है, 29 तारीख लास्ट डेट है। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप जाके डायरेक्ट यहाँ से वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वरना डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सो वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट में आएगा, आंध्र प्रदेश ऑल डिस्ट्रिक्ट, विशाखापट्टनम मन्यम एक्सेप्ट करके है, और महाराष्ट्र में देख सकते हैं, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और मध्य प्रदेश में, यहाँ यहाँ के लिए निकाला गया है। द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर साउथ सेंट्रल रेलवे, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं और यहीं यहीं पर आपको मिलेगा काम करने को। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और किस किस चीज़ में निकाला गया है आप देख सकते हैं। रेलवे एस्टेब्लिश वेयर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड, और ये आपका यूनिट वगैरह का नाम दे रखा है, पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सारा कुछ दे रखा है। चलिए अब मैं बात करूँगा नंबर ऑफ पोस्टों की। तो यहाँ पर AC मैकेनिक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 250 पदों पर भर्ती निकाला गया है। अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए, यहाँ पर SC के लिए है, ST, OBC, EWS और जनरल जो बोलते हैं 103 दे रखा है यहाँ पर। तो टोटल पोस्ट 250 है। कारपेंटर की बात कर लेगा तो 18 पोस्टों पे यहाँ पे है। डीजल मैकेनिक की बात कर ले तो 531 पद है, अच्छा खासा डीजल मैकेनिक का दे रखा है यहाँ पे पोस्ट। अगर इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले तो 1019 पदों पे इलेक्ट्रीशियन है। अगर यहाँ पे बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की तो यहाँ पे दे रखा है 92 पदों पे। अगर बात कर ले फीटर की तो फीटर में अच्छा खासा दे रखा है 1460। उसके बाद मैकेनिस्ट की बात कर ले 71 पद है। अगर बात कर ले मैकेनिक मशीन टूल मैंटेनेंस MMTM तो 5 पोस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे बात करें मिल राइट मेंटेनेंस MMW 24 पदों पे, पेंटर के लिए 80 और वेल्डर के लिए 553 है। टोटल मिला के जो आपके हो जाते हैं 608 आपका SC का है, 302 आपका ST और 1103 OBC, और यहाँ पे जो EWS कैंडिडेट 405 और 1685 जनरल के लिए टोटल मिला के 4103 पदों पे भर्ती ये निकाला गया। ओके, आपको फॉर्म वगैरह को कैसे भरना है, जो भी एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मिनिमम एज जो रखा जाता है
15 साल से लेके 24 साल रखा जाता है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा इसमें, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट जो भी होंगे यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे देख सकते हैं मस्ट हैव 10th पास आपका होना जरूरी है इसका इक्विवेलेंट, या फिर 12th पास भी आप होने चाहिए विथ 50% मार्क्स से इन एग्रीगेट फ्रॉम बोर्ड एंड ऑल्सो ITI प्रोसेस ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड नोटिफाई फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई NCBT या SCBT किसी से भी आपका मान्यता प्राप्त से आपने ITI किया हो जिस ट्रेड में, उसी ट्रेड में आपको फॉर्म भरना है। जैसे मान लीजिए AC मैकेनिक आपने किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% आपका उसमें भी होना चाहिए और यहाँ पे ITI 10th में भी होना चाहिए और उसमें भी आपका प्लस यहाँ पे दे रखा है प्लस विथ मार्क्स एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद सब में वही क्राइटेरिया है, 10th के साथ वही दे रखा है। बाकी इसमें सब में ITI ज़रूरी है, जिसमें भी आपने किया है वो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, तो टेंशन नहीं लेना। तो जो भी बच्चे ITI वाले हैं ज़रूर फॉर्म भरे। मैंने बताया ना एज लिमिट जो रखा है 15 से 24 रखा गया है यहाँ पे, ओके, जो कि 30 दिसंबर 2022 तक आपका होना चाहिए। ओके, चलिए चलिए बात करेंगे SC ST OBC के लिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC जो कैंडिडेट होते हैं उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है नॉन क्रिमिनल ईयर, और जो SC ST कैंडिडेट उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी इसमें फॉर्म को भरना कैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो शुड बी बोर्न बिटवीन, ये आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला, मतलब इसके बीच में आपका होना चाहिए। ओके, तो आप फॉर्म को लिए एलिजिबल हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कोई डाउट जो है वो मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, इसमें सिलेक्शन हो रहा है ऐसे ऐसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ये आपका दे रखा है इंटर्नशिप, ये दे रखा है सिलेक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी मार्क्स एंड ITI वेटेज ऑफ बोथ इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विथ ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम देन द कैंडिडेट हु पासिस मेट्रिकुलेशन 10th क्लास ईयरली शैल बी कंसिडर्ड। यहाँ पे आपको सीधा सीधा यही लिखा गया है कि आपको उसके बेस पे मार्क्स के बेस पे आपको उठाया जाएगा, मतलब कि रिकॉल किया जाएगा, मतलब कि ओके, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। देयर विल बी नो रिटन एग्ज़ाम टेस्ट वाइबा कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपके मार्क्स के बेस पे आपको ले लिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई एक दो बंदे का एक ही रहता है तो इसके हिसाब से ये लगा रखा है इन्होंने रूल वगैरह, जैसे कि आपका एज देखा जाएगा, जिसका एज ज़्यादा होगा, अगर एज भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेम है, तो फिर से 10th का मार्कशीट देखा जाएगा, उसमें जिसका होगा उसको ले लिया जाएगा। ओके, ट्रेनिंग स्टाइपेंड की बात करें, ट्रेनिंग विल बी अरेंज इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप एट द प्रिस्क्राइब्ड डेट एज पर एक्सटेंस इंस्ट्रक्शन। आपको स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे डिसेबल हु कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इसे कर सकते हैं अगर आप डिसेबल भी है तो। पेमेंट ऑफ फी आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ओके, और सारा कुछ आपको फॉर्म भर देना है। चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ही अपलोड करना होगा, अगर डिसेबिलिटी है कंडीशन तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका परफॉर्मा है SC ST OBC का, जो कि ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, बाकी ये देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा, सो वहाँ से आप इजीली इसको वो देख सकते हैं। ओके, चलिए अब भरना कहाँ से वो लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर। आप jobsankar.com जो वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं। ओके, या फिर डायरेक्ट आपका जो रेलवे का ये जो वेबसाइट है इस पर भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप नीचे jobsankar.com पे आइएगा तो इस तरीके का आपका दिखाई देगा, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का मिलेगा, इस पर डायरेक्ट क्लिक के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप जहाँ से ऑनलाइन करना है वहीं पर आप पहुँचेगा। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो कॉमेंट सेक्शन में आस कर लीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।